चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर उपस्थित धातु का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने समय के साथ उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अपनी परिकल्पना को और अधिक संशोधित किया है। चंद्रमा के निर्माण के बारे में सबसे लोकप्रिय संकल्पना यह है कि लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी के एक हिस्से के टूटने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस परिकल्पना के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण भी मौजूद हैं, जैसे कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की रासायनिक संरचना में व्यापक समानता का होना। चंद्रमा का निर्माण जिन उल्काओं के टकराव के कारण हुआ होगा, उनके कारण चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड युक्त धूल भी बाहर निकले होंगे। एक अध्ययन के अनुसार चंद्रमा की उप सतह में बड़ी मात्रा में लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति को बताता है। पुराने अनुमान के अनुसार चंद्रमा की सतह से 0.5 से 2 किलोमीटर की गहराई में अधिकतम लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है। यह खोज पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने में सहायता करेगा।